साहब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है थाने के पांच पखाड़ी परिसर में, जहां पे कुछ ही दूरी पर थाने महानगर पालिका का कार्यालय है और यहां पर कुछ लोग दीवा से आके आमरण उपोषण पर बैठे हैं। उनके साथ में है दीवा के ही चर्चित समाज सेवक अमोल केंद्र जी। आइए जानते हैं वो यहाँ पे क्यों आए, यहाँ उनका आने का क्या मकसद था और वो आमरण अनशन पे क्यों बैठे हुए। अमोल केंद्र साहब, आप अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे आमरण उपोषण पे बैठे, आखिर क्या कारण है यहाँ पे आमरण उपोषण करने का? आमरण उपोषण करने का कारण ये है कि दीवार के जो रास्ते हैं, आठ दस साल हुआ कोई रास्ता आज तक बना नहीं है। दीवार में खाली एक दो ही रास्ता बनने को चाल दिया, वाली का रास्ता हमारा रास्ता। मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक मुमरा खोलने का रास्ता बनाने के लिए 7 बार उद्घाटन हो चुका था, उसके बावजूद भी आज तक वो रास्ता कभी नहीं बना। खासदार के हाथ से हुआ, आमदार के हाथ से हुआ, उपमापन महापौर मैडम के हाथ से हुआ, फिर भी आज तक वो रास्ता बनाइए। चलो वो रास्ता छोड़ दो, तो देखिए मेरे पास फोटो है, रिलायंस का हो गया, एक खड्डा खोदते भी कम से कम नहीं बोलो 5-6 महीने हो गए, और ये रास्ता बनने के लिए कम से कम 13 साल पुराना रास्ता है। यहाँ बाजू में स्कूल है, सब कुछ है, ये रास्ते बनेंगे कभी? ये आज तक युवा में कोई रास्ता बना नहीं है। ये है नाले सफाई, ये देखिए पूरा गटर भरा हुआ है। मुझे नाले का बांधकाम जो हुआ है ना, किस कदर हुआ है, 2 साल के अंदर ये नाले टूट जाते हैं। अमोल भाई, ये रास्ते और गटर नालों के अलावा और भी कौन सी समस्या है जो आपकी दीवा के अंदर है? वहाँ की समस्या है कि वहाँ जो क्राइम बढ़ गया है दीवा में, उसके लिए हमें CCTV कैमरे की मांग की। वहाँ के बाद भी साफ सफाई हमको चाहिए वहाँ पे, बच्चों के लिए खेलने का मैदान, मैदान तो है ही नहीं बच्चों के लिए, मैदान चाहिए, पानी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बगीचा चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ बगीचा तो आ चुका है दीवार पहले ही, नाना नानी पार्क जो कि दादी वहाँ पर था वो, पर वहाँ पे खाली बेंच नज़र आते, बाकी कुछ नज़र नहीं आता। वो भी क्या हुआ है वो तो महानगर पालिका में सबको मालूम है, हमारे उपमहापौर उनको साथ जो है ना उनको सब मालूम है, इस तरह से क्या काम हुआ है दीवार में नहीं सब मालूम। पर ये सब आंधे आग पे पट्टी बांध के उनको दीवा की जनता का विकास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल कितने नगर सेवक है आपके दीवा शहर में? दीवा शहर में 8 नगर सेवक हैं, उनमें के एक उपमहापौर जी हैं, एक हमारे प्रभाग समिति के सभापति जी हैं, वहीं के एक आमदार जी हैं, ये सब शिवसेना के। मेरी ये लड़ाई शिवसेना के खिलाफ नहीं है, शिवसेना अच्छी है। अगर बाला साहब ठाकरे साहब जो अगर आज यहाँ पर रहते, आनंद जी के साथ रहते, तो ये दीवा की हालत भी नहीं रहेगी। तो जो दीवा की समस्याएं हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, इन समस्याओं को लेके आपने नगर सेवकों से बात की, उनका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, बात करने की तो कोई जरूरत नहीं है। ये आठ दस पंद्रह साल से चालू है, पर 17 फरवरी 2017 में जो सभा हुई थी उस टाइम से लोग खाली झूठे आश्वासन देते थे। मतलब आपका ये कहना है कि वहाँ के जो 8 नगर सेवक है विकास के नाम पे लोगों की आँख में धूल झोंक रहे? वो तो सबको ही मालूम है, भाई बोलने की जरूरत नहीं है धूल झोंक रहे क्या। जो 17 फरवरी 2017 में उन्होंने कहा था कि 100 कोटी के रास्ते मंजूर हो चुके दीवा के लिए, और 6 कोटी का रास्ता तो अभी ये मुमरा कॉलोनी में चालू है, वो अभी तक रास्ता बना नहीं है, 2 साल होने को आया, बाकी का 100 कोटी निधि गया कहाँ, ये पूछना चाहते हैं। आज आप देखोगे यहाँ पे सदाशिवरी नगर हो गया, दत्ता मंदिर का रोड हो गया, रिलायंस टावर का रोड हो गया, पेड़ेकर नगर है, ओमका नगर है, जीवदान नगर सादे का रास्ता है, जैसे मात्र गेट का रास्ता है, जैसे रस्तों का ना कहीं भी विकास हुआ नहीं है। क्या इन दोनों को ये दो ही विकास दिखता है, एक गणेश नगर का रास्ता, एक गणेश नगर का रास्ता? कि आज मेरे ख्याल से जब मैंने नेट वाइज चालू किया तब उसके बाद मुझे दिखाने के लिए उन्होंने रास्ता बनाया, थोड़ा सा एक दो जगह पे गटर का जहाँ बिठाया, वो उन्होंने ऐसा कह लिया कि हम लोग कर रहे। जब मैं साहेब माइक साथ जो है अपने युवा प्रवास से मिला था तो बोला सर ऐसी कंडीशन क्या करें, बोलते ये आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, आप ऑफिस में कितना दिन बोलोगे? लगभग 1 महीना पहले आपने दीवा प्रभाग समिति के सह आयुक्त से मुलाकात की थी, उस समय आपसे ये कहा गया था?
हाँ, एक महीना भी नहीं हो चुका उसको, एक मुझे लगता है 15-20 दिन की बात है। उस टाइम मुझे कहा था उन्होंने कि आप ऑपरेशन करो या कुछ भी करो, आपकी एक भी मांग पूरी नहीं होगी। मैंने उनसे पूछा सर ये बच्चे उनके बच्चों लोग का क्या होएगा, उन्होंने कहा कि वो हम देख लेंगे और हम हमारी नगर सेवक देख लेंगे, तुमको जरूरत नहीं ये सब करने। जब नगर सेवकों ने इन्होंने अगर ये सब किया रहता आज मुझे यही सब बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे बार बार प्रेशर मत दिया जो दे रहे ना, उसको भी कहने जा रहा हूँ मुझे प्रेशर मत। मैं एक आम इंसान हूँ, बट मैं एक 6 लाख जनता की, 6 लाख जो दीवावासी जनता है उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और मुझे ना कोई पॉलिटिकल ये है मेरा। मैं जो कर रहा हूँ मैं दीवावासियों को कर रहा हूँ। मेरा ये लड़ाई किसी पार्टी या किसी का अपोजिट नहीं है, मैं ना ही नगर सेवक का अपोजिट हूँ। मैं क्या करे, वो सत्य में है, इनको लगता है कि हाँ मेरे खिलाफ करे, उन्होंने काम करना चाहिए था ना, तो उन्होंने काम किया रहे तो मुझे जरूरत ही नहीं थी ना कुछ करने की। करने की 3 महीने से मैं लेटरबाजी कर रहा हूँ। जब मैं ITR देता हूँ तो मुझे ITR का भी कोई जॉब सही से नहीं देते, तो देना चाहिए ना। आम आदमी का ITR मारेगा, फिर 1.5 महीने बाद लेटर भेजोगे, फिर बोले कि अपील नहीं आया आपको, अपील क्या है। आम इंसान है हम लोग, हम हमारी आरोग्य है हमारा, हमारी जो बच्चों की तकलीफें वो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे, हमारी किसी भी अपोजिट लड़ाई नहीं है। मैं इसी दरकार से सुबह से मैं देख रहा हूँ आप अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे आमरण उपोषण पर बैठे, क्या किसी मन का अधिकारी ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं नहीं, अभी तक कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमारे ऊपर जिस आप लोग थे वो आए थे, बाकी तो कोई अभी तक आए। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे आप लोग जो आमरण उपोषण पे बैठे हैं इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आप आपकी दीवा शहर में जो समस्या है उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए दीवा शहर में 12-15 सालों से यही समस्या है सर, कि आरोग्य की सुविधा नहीं है, मीटर की नहीं है, स्कूल की नहीं है, उद्यान नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी की नहीं है, ये सब जो ये जो समस्या है ये समस्या कई सालों से 10-12 सालों से चल रही है सर। लेकिन वहाँ पर अनधिकृत पांच काम बहुत हो रहे हैं, ये समस्या वहाँ की वही की वही है, लेकिन जो इलीगल धान काम है वो सब बढ़ रहे हैं, वो इतने बढ़ गए कि पूछो मत, उसी में सब मशगूल है। सुविधा देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, आकाश नगर सेवक है, उप महापौर जी है, इन लोगों ने अगर ये ध्यान देते तो ये आज की नौबत आती नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इसके पहले भी आप लोगों ने अमृत केंद्र साहब के नेतृत्व में दीवा प्रभा समिति का एक मोर्चा निकाला था जिसमें काफ़ी लोग शामिल थे और आप आज यहाँ पे आमरण उपोषण पे बैठे, आपकी अगर जो मांगे हैं दीवा शहर के विकास को लेकर अगर वो नहीं मांगी गई तो इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम अपने निर्णय पे ठाम रहे, पक्का रहेंगे। आज जो आखिर में हम लोग ने एक पैर जो उठे रहे, एक कदम जो उठाया है अनशन का, वो सब सोच समझ के ही उठाया, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही थी। 3 महीने से हम लोग ये कर रहे थे, जैसे चंद्र साहब ने बताया कि हम लोग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है ना किसी नेता के खिलाफ है। हमको यही चाहिए कि दीवावासियों के लिए सुविधा होनी चाहिए। जो हमारी मांगे हमने की है 12-13 मांगे जो हमने जो किए हैं वो मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो हमको महानगर पालिका के महानगरपालिका जो आयुक्त जी है संजीव जायसवाल जी, जो हमेशा आते हैं दीवा में, कुछ ना कुछ आते आते उद्घाटन करते जाते चले जाते, कोई भी आते तो उसका जो ये जो है कि सुविधा, तो सुविधा हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हम हमारे निधन पे काम रहेंगे, अगला कदम हमारा यही रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से ही रहेंगे। बैठे दीवार के अंदर इसमें हमको बहुत से प्रशासन चाहिए, लेकिन चाहिए कि ये आने वाले बारिश के पहले जितने रास्ते हैं वो बना के मिले, जितने नाले जो नाले सफाई है बोलते ना हुए है, अरे नाले सफाई हुई नहीं थी तो आज जो हमारे पास फोटो है, अब ये आप फोटो में सब देखिए कैसी हालत नाले की, नाले सफाई हुई नहीं दीवार में उनका करते हैं, खाली बाहर रोड का नाले सफाई करते हैं, दुनिया को दिखा के हमने नाले सफाई किया, हमको और नहीं चाहिए। हम अपनी मांग पर ठाम है और हमको हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, नहीं हुई तो अगर मेरे परिवार पे मुझे कुछ हुआ इसके जिम्मेदारी कोई आने महानगर पालिका की।
और ये हमारी मदद से होगा, हमारे जो पालक मंत्री बनता मंत्री। सर आपका नाम क्या है और आप लोगों की क्या मांग है? मेरा नाम अभय दुबे है और मैं दोस्ताना सोशल फाउंडेशन से हूँ। मैं राज भाई, मेरे फ्रेंड है और मैं इनको हमेशा फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। जो मुद्दा इन्होंने दीवा शहर के लिए उठाया है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दीवा को दीवा शहर बोलना ही गलत है। अगर किसी को लगता है कि ये जो तस्वीरें फेसबुक पे आई हैं और इसको आप कहते हो कि दीवा शहर है, तो मौजूदा सरकार, महानगर पालिका के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ज़रा एक बार दीवा शहर में, जिसे आप शहर करें उससे उसमें ज़रा एक बार अपना दौरा लगाएं और उसके बाद कहीं गांव खेड़े में जाके दौरा लगाएं और पता करें कि वो गांव है या वो शहर है या जिसे दीवा को आप दीवा शहर बोलते हो, तो ये शहर। दूसरी बात, इस देश के नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इसकी पूरी जवाबदारी जो होती है मौजूदा सरकार की है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको निभाए। जो देश की जनता ने आपको चुन के दिया है कि विकास हो, और विकास के नाम पे मैं देख रहा हूँ कि दीवा शहर का जो विकास हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, और इसका अगर कुछ कारण भी अगर होगा, गंदगी का जो भी है, तो जो लोग संख्या बढ़ रही है, लोग संख्या बढ़नी चाहिए, दीवा शहर में लोग आने भी चाहिए, पर उसमें उनको क्या सुविधा मिल रही है? आज ये गटर नाले आप देख रहे हैं, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ पर फेसबुक पे राज भाई को फॉलो करता हूँ, कभी तो दीवा में जाता हूँ, इतनी भीड़ में लोग एक साथ उतरते हैं, और देखा जाएगा तो सुरक्षा के नाम पे, वहाँ पे व्यवस्था के नाम पे मुझे कुछ नज़र नहीं आता। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक सबसे पहले पुलिस चौकी वहाँ पे हो। क्यों राज भाई? मगर चौकी तो है, पुलिस स्टेशन हो, एक पुलिस स्टेशन हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, नाना नानी पार्क, सरकारी जैसे भाई बता रहे हैं, ऐसी सारी सुविधाएं इनको मिलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कहने वाली बात नहीं है, देश के नागरिकों का अधिकार है। और मैं समझता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए एक देश के नागरिक पर, एक व्यक्ति को फुटपाथ पर बैठकर मीडिया से अपनी बात कहनी पड़ रही है कि मुझको मेरा अधिकार दो, तो इससे अच्छा विकास इस देश का कुछ और नहीं होता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दीवा शहर के अंदर एक ही पार्टी शिवसेना के 8 नगर सेवक है, वहीं के आमदार भी है शिवसेना पार्टी, फिर आखिर क्या कारण है कि शहर का विकास नहीं हो पा रहा? ये कारण सरकार को ढूंढना चाहिए। आम जनता अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, सुबह उठते ही उसको पहले याद आती है मेरी रोटी, मेरे गैस का चूल्हा, और उसको सिर्फ एक बार मौका मिलता है अपना जीवन सुधारने के लिए, जिसका माध्यम है सरकार। वो सरकार को इसीलिए चुनती है कि ये हमारी सुविधाओं को ध्यान देगी, हमको ये सारी मूलभूत अधिकार जो दिया है संविधान में वो हमको मिलेगा। तो इसमें क्या कारण है वो हमको नहीं ढूंढना है, ये सरकार को ढूंढना है कि दीवा शहर में ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है और इसकी वजह क्या है। बस हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आइए जानते हैं कि उनके यहाँ पर आमरण उपोषण पे बैठने का कारण क्या है। सर आपका नाम क्या है? कुंदन काशीनाथ यादव। आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हुए? क्योंकि हम लोग अभी सब दीवा के हैं, दीवा में अभी जितने भी प्रॉब्लम्स है, मतलब पानी से लेकर लाइट से लेकर रास्ते तक, डंपिंग ग्राउंड भी है दीवा में, पुलिस चौकी नहीं है, चेक पोस्ट नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अगर इमरजेंसी अगर रात में कुछ होता है अगर किसी पेशेंट को, तो किधर लेके जाएंगे? मुंबई में डोंबोली कल्याण किधर लेके जाएंगे? अगर जिधर हम लोग जिधर रहते अगर उधर ही अच्छी सुविधा नहीं रहेगी थी हम लोग क्या करेंगे? थाने महानगर पालिका पुलिस चौकी के बारे में, कचरा डंपिंग ग्राउंड के बारे में, सब जगह पे सब हर पकड़ा करके ले चुके हैं, पर एक भी अभी तक एक्शन नहीं लिया। मतलब आपका कहना ये है कि मनपा अधिकारी और वहाँ के भी जितने भी नगर सेवक लोग हैं, आपकी समस्याओं पे कोई ध्यान देने को कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं? कोई नहीं, अभी तक तो नहीं।
सबसे पहला तो मुद्दा है कि दीवा मुंगरा कॉलोनी का जो रास्ता है वो पूरा बेकार है। दो साल से बन रहा है, दो साल से कम से कम चार पाँच साल से वो रास्ता इतना बेकार है। रिक्शा बोलो, टैक्सी बोलो, फोर व्हीलर बोलो, जो भी रास्ते जा रहे हैं, टायर पंचर है, किसके यहाँ किसी हादसा हो रहा है। अभी बीच में ही एक बच्ची का मौत हो गया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गटर है, नाले साफ सफाई नहीं होती है, तो क्या करेंगे हम लोगों का एक ही मांग है, जितना भी दीवा में डेवलप होना चाहिए हम लोगों को कर, और वो सब सरकार ने हम लोगों को करके देना चाहिए। मतलब जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी आप लोग इसी तरह डटे? हाँ, हम लोग इधर ही बैठेंगे जब तक बारिश हो कुछ भी हो, हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाए।